अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आज मैं आपके साथ चने चाट की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ कि जो कि बहुत ही हेल्दी होती है, न्यूट्रिशन से भरपूर है। क्योंकि इसमें हम बॉयल चने का इस्तेमाल करेंगे और कुछ चीज़ें हमें लगेंगी जो कि है मसाले। तो देख लेते हैं हमें क्या मसाले लगेंगे। यहाँ पर एक मैंने बॉल ले लिया है, इसमें हम 1 टी स्पून रेड चिल्ली पाउडर डालेंगे, 1/2 टी स्पून गरम मसाला पाउडर ऐड कर देंगे, सॉल्ट आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर लेना। यहाँ पर मैंने लिया है कोरिएंडर और ज़ीरे का पाउडर। ये मैंने कोरिएंडर और ज़ीरे को पीस लिया था रोस्ट करके, तो ये उसका पाउडर ले लेना है। 1/2 टी स्पून मैंने ब्लैक पेपर ऐड कर दिया है और अब हम इसमें पानी ऐड कर देंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, ये मिक्स हो गया है और इसे मिक्स करने के बाद हम साइड में रख देंगे इसे। इस तरह से आप कर लीजिए। तो यहाँ पर मैंने 1/2 कप बॉयल चने लिए हैं और एक बड़े साइज़ का मैंने आलू ले लिया था, उसे भी बॉयल कर लिया और उसे छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। और इन्हें बॉयल करने के टाइम पे मैंने कुछ भी ऐड नहीं किया था। तो यहाँ पर हम एक पैन ले लेंगे जिसमें हमें 1 टेबल स्पून ऑयल डालना है। हमें इसमें बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं यूज़ करना है। तो जब थोड़ा सा तेल गर्म हो जाए तो हम इसमें 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर देंगे और इसे थोड़ा सा सॉटे कर लेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम ऑयल के साथ इस तरह से। और जो हमने मसाला बना करके रखा था स्टार्टिंग में, उसे इसमें ऐड कर देंगे और इनको अच्छी तरह से हम भून लेंगे। मसाले को अच्छी तरह हम ऑयल के साथ मिक्स कर लेंगे। हमारा मसाले को बेसिकली हमें थोड़ा सा कुक कर लेना है और मीडियम फ्लेम पे ही करना है ताकि मसाले हमें हमारे जले नहीं। तो ये जब इस तरह से भून जाए मसाले अच्छे से हमारे, तब इसमें हम बॉयल चना ऐड कर देंगे। ये देखिए, इतना अच्छे से मैंने इसे चने को उबाल लिया था, सॉफ्ट हो गया है चना काफ़ी। तो इस तरह हम हमारे ये मसालों में चने को अच्छी तरह से भून लेंगे। अभी इसमें हम हमारे बॉयल पोटैटो भी ऐड कर देंगे और उसे भी अच्छी तरह से चने के साथ मिक्स कर देंगे। और हमें इन्हें बहुत ज़्यादा भी नहीं पकाना है क्योंकि हमने ऑलरेडी बॉयल किया है, चने भी हमारे बॉयल्ड है, आलू भी हमारे बॉयल्ड है। तो हमें सिर्फ इसे मसालों में अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। जब ये इस तरह से हो जाएंगे तो हम गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे। यहाँ पर मैंने ले लिया है अनियन जिसको बारीक कट कर लिया है, टमाटर लिया है उसे भी बारीक कट कर लिया है, हरी मिर्ची है, कोरिएंडर है फ्रेश, और नींबू ले लिया है। तो हम इसमें फ्रेश कोरिएंडर, टमाटर, हमारा जो भी अनियन है सब मिक्स कर देंगे। ये थोड़ी सी हरी मिर्ची है, 1 या 2 आप इसमें शामिल कर सकते हो, और फ्रेश कोरिएंडर, और इन्हें अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। ये बहुत ज़्यादा आसान रेसिपी है और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी भी है और इसे बनाने के लिए टाइम भी नहीं लगता है और ये न्यूट्रिशन से भी भरपूर है। क्योंकि इसमें बॉयल चने हमने यूज़ किया है तो ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। तो इस तरह से हम इसमें 1/2 लेमन जूस ऐड कर देंगे फ्रेश। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये चना मसाले वाली रेसिपी आपको पसंद आई होगी, और अगर रेसिपी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करके बताना आपको ये कैसा लगा। और साथ ही मैं चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें बिना मत जाइएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।